सब्सक्राइब कीजिए इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाकर पाएं नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र। ये जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो बार बार आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको बताया जाए कि वतन टीवी कैसे सेट होगा या सेट पे, आप एक बार फिर से बता दीजिएगा। तो मैं अभी फिर से बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो की सहायता से, जिसमें आप देख सकते हैं कि वतन टीवी कैसे सेट कर सकते हैं 53 पर, जहाँ पर अगर आप सेट कर लेते हैं तो 52 के चैनल भी आ जाते हैं और 53 का आपको वतन टीवी भी मिल जाता है, और साथ ही कभी कभी आपको वाना टीवी भी मिल जाता है। वाना टीवी जो आंध्र प्रदेश का सेटेलाइट है वो भी आपको मिल जाता है, वहाँ पे आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो अभी चलते हैं सबसे पहले टीवी पर, जहाँ पर आपको मैं फ्रिक्वेंसीज बता देता हूँ क्या फ्रिक्वेंसी आपको रखनी है। आप टीवी पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं ये ट्रांसपॉन्डर है वतन टीवी का, 11532 ओरिजिनल 2205। ये अभी अपडेटेड ट्रांसपॉन्डर है वतन टीवी के लिए, जो हमें सेट करना होगा इस पर। तो यहाँ आप सेट करने के बाद में ये जो है टीपी आप डाल लीजिएगा अपने सेटअप बॉक्स में, उसके बाद में आप सेटिंग्स करेंगे। मैं आपको बता दूं 22 के ऑन और ऑफ रखने की जो बात आप करते हैं उसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये MPG4 का बॉक्स है और MPG4 में ही ये चलता है। MPG4 में ऑटो रहता है 22 के, उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। मान लो आपको टीपी डालनी होती है ट्रांसपॉन्डर और दूसरा सिंबल रेट आपको डालनी होती है, ये डालने के बाद में आप बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने डाल दिया है, उसके बाद में मैं अब डिस्क की ओर लेके चलता हूँ, जहाँ से DD फ्री डिस्क से मैं अभी यहाँ सेट की तरफ सेट करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो आप डिस्क को देख सकते हैं, अभी ये जो है DD फ्री डिस्क में सेट है और सूरज की ओर देखती हुई है। यहाँ LMB की पोजिशन में आपको बता दूँ तो LMB की पोजिशन इस तरह से हैं, जैसे कि वीडियो कॉन टाटा स्काई की रहती है उसी तरह से माइनस की साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस के साइड में है। और अब जो हम सेटिंग्स करेंगे अब इसे चेंज कर देंगे, यहाँ से ये माइनस में है तो इसे पकड़ के प्लस में कर देंगे 38 पर, अप्रॉक्स 38 पे कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सभी को DD फ्री डिस्क की सेटिंग्स आती है अच्छे से, उसकी मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं इस बारे में। यहाँ पर 138 यहाँ मैं कर देता हूँ और उसके बाद में डिस्क में कुछ चेंजेस हम करते हैं। अभी आप देख सकते हैं, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये जो है ये सेट है इस तरह से। अब इसका घुमाने का मैं बता देता हूँ किस तरफ घूमेगा, ये यहाँ से इस तरफ, मतलब ये जो इस तरफ घूमती हुई जाएगी और उस तरफ घूमेगी। देख लेते हैं एक बार, बैक साइड से दिखाता हूँ अच्छे से आपको। ये जो है डिस्क आप देख सकते हैं इधर है इस तरफ, यहाँ से इधर ABS और ABS से घूमती हुई यहाँ पर यहाँ सेट पे आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, यहाँ आप देख सकते हैं ये DD फ्री डिस्क पे सेट है इस समय, ये वाला ये DD फ्री डिस्क पे सेट है। और DD फ्री डिस्क से आप यह है यहाँ से थोड़ा इस तरफ आपको घूमना है, यहाँ आप देख सकते हैं मार्किंग भी मैंने कर रखी है, इस तरह आप इसे घुमाते रहेंगे। DD फ्री से थोड़ा सा नीचे है ये यहाँ सेट, ये देखिए ये आ गया अपना 75, और इससे भी और थोड़ा हम घूमते हैं इधर यहाँ पर तो ये 52 आ जाता है। मैं इसको डायरेक्टली अब स्क्रीन पर बता देता हूँ, यहाँ उस जगह और यहाँ पर मैं इसमें एक बार सैटेलाइट मीटर में बता देता हूँ आपको, सेट टाइम मीटर से जो फ्रिक्वेंसी सेट है वो ऑटोमेटिक 11881 27500 वर्टिकल है। इस पर अब अगर रखते हैं तो ये आ जाता है, ये एक्सप्रेस M3 का जो सेटेलाइट है यहाँ सेट का है उसकी फ्रिक्वेंसी है, और चाहें आप तो वो जो फ्रिक्वेंसी भी पहले दिखाई थी वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी इसकी 11881 27500 वर्टिकल और जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ करना चाहें तो वो फ्रिक्वेंसी भी यूज़ कर सकते हैं जो भी स्क्रीन पर पहले दिखाई है। आप चलते हैं टीवी की ओर, सेटिंग्स हो चुकी है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रिक्वेंसी 11532 ओरिजिनल 2205 उस पर अभी सिग्नल आ चुके हैं, और इसके बाद में हमें स्कैन करना होगा। आप चाहें तो इसे सारे भी कुछ कर सकते हैं या फिर कोई भी सैटेलाइट को सिलेक्ट करके वहाँ पे ऑटो स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर सेट का नाम है तो उसी पे मैं कर देता हूँ। इस पर सेलेक्ट करने के बाद में ब्लू बटन प्रेस करना है, 6303 बॉक्स में ब्लाइंड स्कैन करें और सर्च करें। आप अपने बॉक्स के अनुसार सेटिंग्स से कर सकते हैं। ये करने के बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें वतन टीवी और बाकी जो सर चैनल्स हैं इसमें वो सारे चैनल्स हमें मिल जाते हैं।
यहाँ पे अभी इस टाइम पे मोर देन 120 चैनल्स ज़्यादा ही आ रहे हैं, अभी कभी 124 और कभी 126 आ रहे हैं इस डेस्क को यूज़ करते हुए। तो कंप्लीट चैनल लिस्ट आप देख सकते हैं जो भी आपके सामने स्क्रीन हो रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर इसी सैटेलाइट को हम सर्च करते हैं 90 सेंटीमीटर डेस्क पर, तो वहाँ पर कुछ चैनल आपको एक्स्ट्रा में मिलते हैं, जो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ पर कौन कौन से चैनल आपको ज़्यादा मिलते हैं, वो भी आप देखना नहीं भूलिएगा। यहाँ अभी देख लीजिएगा चैनल लिस्ट जो आपके सामने अभी प्रदर्शित हो रही है। इसमें जो वतन टीवी है वो है 53 ईस्ट का चैनल है अफगानिस्तान का, और अभी जो चैनल लिस्ट आ रही है हमें वो सऊदी की या सेट की चैनल लिस्ट मिल रही है यहाँ पर। तो अभी ये या सेट स्कैन हो रहा है, उसके बाद में अफगान सेट जो है एक्सप्रेस AM6 का, उसके भी कुछ चैनल इसमें स्कैन हो जाएंगे। और अभी 48% ही हुआ है और 110 से ज़्यादा चैनल आ चुके हैं। और रेडियो चैनल की बात करें तो 4 रेडियो चैनल हैं और ये कुछ और भी बढ़ जाएंगे अभी। अभी मैं स्केप करता हूँ और फाइनल चैनल लिस्ट आपको बताता हूँ। अभी हमें 124 चैनल्स मिल चुके हैं, लास्ट टाइम 126 थे, तो 124 चैनल्स में अभी लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये सारे चैनल हमें मिलते हैं, जिनमें कुछ इंडियन मूवीज़ के भी हैं, बाकी अदर चैनल्स। फाइनली हम बात करते हैं जिस चैनल के बारे में, जिसकी वो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। ये स्क्रैम्बल चैनल है जो बिस्की स्क्रैम्बल्ड है, ये दोनों चैनल 4 चैनल हैं यहाँ पर इसके, इस तरह के जो बिस्की से ओपन होते हैं, एड स्पोर्ट्स और बाकी। लास्ट फाइनली वतन टीवी की बात करते हैं, जो वतन टीवी यहाँ पर ये देख सकते हैं, वतन टीवी 113 चैनल अभी स्कैन हुए हैं, अभी लास्ट टाइम 124 स्कैन हुए थे, तो ये कम ज़्यादा हो रहे हैं अभी थोड़ा सा डिस्क प्रॉब्लम की वजह से। वतन टीवी पे थोड़ी देर बाद में भी यहाँ पर क्रिकेट भी आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा है, तो बाकी ये चैनल देख सकते हैं और प्रॉपरली यहाँ वर्क कर रहा है, कोई परेशानी नहीं। ये ब्यूटी टीवी, इतने सारे चैनल्स आप देख सकते हैं जो भी इस पर मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बड़ी डिस्क को यूज़ करते हैं तो किस तरह से वहां पर चैनल इंक्रीज होंगे और कितने चैनल आपको मिलेंगे।